नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उनके बारे में जो हाई यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रही हैं। यूरिक एसिड ब्लड में मौजूद एक तरह का केमिकल है जो शरीर में प्यूरिन नाम के प्रोटीन के टूटने से बनता है। वैसे तो ज्यादातर यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होने के बाद शरीर से फ्लश आउट यानी बाहर निकल जाता है, लेकिन जब किडनी इस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं कर पाती तो इसके कारण यूरिक एसिड टूटकर क्रिस्टल्स के रूप में हड्डियों के बीच जमा होने लगता है, जिसके कारण गाउट की बीमारी हो जाती है। बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने की स्थिति को मेडिकल टर्म में हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। इसके कारण न सिर्फ जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और अकड़न की समस्या होती है, बल्कि गंभीर मामलों में तो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियों का भी खतरा बढ़ जाता है। शरीर में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 3.5 से 7.2 mg/dL के बीच होता है, लेकिन अगर ये स्तर बढ़ जाए तो इस स्थिति को हाई यूरिक एसिड कहा जाता है। यूरिक एसिड के मरीजों को अपने खान पान के प्रति बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें प्यूरिन की अधिक मात्रा होती है। इन चीजों के सेवन से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं हाई यूरिक एसिड के मरीजों को किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए ताकि यूरिक एसिड का लेवल बढ़े नहीं। यूरिक एसिड के मरीजों को दाल, फलियां, राजमा, चना, छोला, टमाटर, मटर, भिंडी, मशरूम, गोभी, अरबी और चावल आदि के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनके कारण यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। जंक फूड, फ्राइड फूड, सी फूड, रेड मीट, शुगर युक्त ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और शराब आदि से भी दूर रहना चाहिए। दही में प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ये यूरिक एसिड के स्तर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इससे परहेज ही करें। दूध और अंडे में प्यूरिन की मात्रा कम होती है, इसलिए इनको डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही प्लांट प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स और दुबली मछलियों को भी डाइट में शामिल किया जा सकता है। कॉफी का सेवन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही आप विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। हरे धनिये में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये ड्यूरेटिक की तरह काम करता है। इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या सब्जी में डालकर खाएं तो आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने गठिया आदि में मदद मिलेगी। एप्पल सिडर विनेगर को पानी में मिलाकर पीने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स को डाइट में शामिल करें, यह आपको यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करेगा। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई पाए जाने की वजह से ये यूरिक एसिड को नेचुरली कम रखने में सहायता करता है, तो खाना बनाने में ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची, लौंग, दालचीनी, एंटीबैक्टीरियल और तेजपान के पत्ते के सेवन से यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। हाई फाइबर फूड्स के सेवन से भी यूरिक एसिड को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने हमारी वीडियो में देखा कि ऐसा कौन सा खान पान है जिसे हम परहेज करें और हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े, और ऐसा कौन सा खान पान है जो हम अपनी डाइट में शामिल करके अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।